जो आलिया है मेरी लाइफ में वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय लाइफ. मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है, मेरी शादी हुई है इस साल. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई. लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाओ, हाका नूडल होना चाहिए, बट बॉस ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड ओए होए हमारा दिल तो लूट लिया. वो सब छोड़ दिया मैंने अभी. नहीं नहीं, अभी मेरे को बहुत काम करना है सर. अभी मुझे फैमिली बनानी है, उनके लिए काम करना है. पहले मैं खुद के लिए काम कर रहा था. नहीं नहीं, अभी मैं बहुत काम करूँगा. आई रिमेंबर एक सीन था वे संजू सर हैड टू स्लैप वाणी एंड वाणी वाज टेलिंग संजू सर आप सच्ची में मारो. लगा दो एक जोर की. संजू सर बोल रहे मैं सच्ची में मारूं और वाणी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ बैठी अच्छा नहीं लगता. आलिया हैज सीन द टीजर, शी इज इन लंदन राइट नाउ, सो शी इज स्लीपिंग, सो आई गेस वंस शी वेक्स अप शी विल सी द ट्रेलर. सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक. सुबह सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट में हम ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया. फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया. तो करण बोल रहा है कि एक अच्छी बात है, आई होप ये ठीक ठाक जाए. बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, यू नो दिस मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी has been my first idol, my first hero. I had a poster of him in my cupboard. Then I got to know him. You know, he's been a family friend. Then I got to act as him. I got to portray his life. And finally, I got to fight with him, you know, for him to be my nemesis. The journey has just been unbelievable because he treats me like a son. He treats me like a friend. He treats me like a brother. You know, he calls me, he shouts at me if I'm not doing anything good, if I'm doing bad films. I remember जब मैं बर्फी और रॉकस्टार कर रहा था, आई यूज टू वर्कआउट इन हिज जिम. सो एवरी डे यूज टू कम डाउन एंड सेज यार तू तो 2 साल से मेरे जिम में आ रहा है, तेरी बॉडी का है. देन यूज टू कीप सेइंग कि तू अब बर्फी कर रहा है, व्हाट इज योर नेक्स्ट फिल्म, पेड़ा, लड्डू, तू क्या क्या फिल्में करेगा. सो यूज टू कीप इंस्टलिंग मी दैट यू नो यूज टू डू यू नो मोर लार्जर देन लाइफ फिल्म्स एंड यू शुड डू फिल्म्स व्हिच एंटरटेन अ लार्जर ऑडियंस. ही इज बीइंग टू मॉडेस्ट. यू पुट हिम एज अ हीरो, एज अ विलन, एज अ चाचा, एज अ ताया, एज अ सन. ही विल क्रैक एनी कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज ऑरा, हिज पर्सनैलिटी इज सो अमेजिंग दैट ही विल मेक एनीथिंग सीम अमेजिंग. आई एम द हैप्पीएस्ट दैट रणबीर इज डूइंग शमशेरा, यू नो, एंड दिस इज वॉट आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट, इज टू सी हिम इन अ फिल्म लाइक दिस. एंड यू नो आई होप ही कीप्स डूइंग इट. आई थिंक सर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है बहुत ही लार्जर देन लाइफ है. मैं कभी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी पहले. एंड सबसे बड़ा रीज़न वॉज करण मल्होत्रा. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स. आई लव अग्निपथ. सो फॉर मी इट वॉज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़. आई गेट टू वर्क विद रणबीर कपूर, हुज संजय दत्त सर, हु यू नो एवरी वंस वर्क, हु आई हैव बीन सो इंस्पायर्ड बाय एंड आई ट्रूली एडमायर. सो आई थिंक इट वॉज अ win-win situation for me. And there were many days and I'm like talking to God, I was like, you know, please look at me, I'm working very hard and somewhere in life, please, you know, give it back, give something back. You know, I went through those days, but I'm glad I did, you know, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. Abhi, ek cheez main kehna chahta hu ke Karan ajeeb villains create karta hai. Okay. Aur ye use kya shauk hai mujhme ke कमाल के विलन देता रहता है. शुद्ध सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप देखिए, आप इन्जॉय कीजिए शुद्ध सिंह जी को और शमशेरा को एंड द ब्यूटिफुल वाणी एंड ऑफ कोर्स करण. इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है. सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए. आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी. तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस के एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले यू नो द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल. तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए. आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है. बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था
यू नो बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा, एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर. वेल इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, यू नो करण इज समवन हु रियली हेल्ड माई हैंड थ्रू इट. आई थिंक वन थिंग विच आई रियली लैक एज एन एक्टर इज एंगस्ट. आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन, यू नो आई एम अ वेरी फन लविंग हैप्पी डिटैच्ड गाय. सो आई थिंक करण रियली स्ट्रगल्ड विद एंग्स्ट. वी सैट अ लॉट टुगेदर, यू नो ही सेइंग मैं तेरे लिए तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो, यू नो ही स्टार्टेड लाइक रफिंग मी अप, ही स्टार्टेड लाइक गोइंग डीपर इनटू माय पर्सनल लाइफ अबाउट माय पास्ट, बिकॉज़ ही रियली वांटेड टू रियली यू नो टैप इनटू दैट साइड ऑफ मी. मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग. मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली हैं, वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन. वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो, द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ मेट विद ह्यूमंगस सक्सेस. एंड मुझे लगता है कि एज अ कंट्री वी शुड ओनली बी सेलिब्रेटिंग दैट, नथिंग एल्स. एंड आई होप कि हम सब मिलके वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रिएट कर पाएँ. जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के सेंशनिंग के लिए, उसी कन्विक्शन से सोच पाएँ, जिस कन्विक्शन से इन सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स के फिल्म मेकर सोच पाएँ, वो बहुत जरूरी है. बिकॉज आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ द कन्विक्शन. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट वेदर अ साउथ इंडियन फिल्म वर्क्ड और एन हिंदी फिल्म वर्क्ड. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट.